Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any updates from Pop Bollywood. Hi Roshni, welcome to Pop Bollywood. Hi again. Okay, so welcome to the first Candid Tale segment. As a teacher, in my institute only, जहाँ मैं पढ़ती थी वहीं मैं पढ़ाती भी थी. सो मैं ग्रेजुएशन की क्लासेस ले रही थी अपनी सेकेंड ईयर की और वहाँ मैं सिक्स और सेवन्थ के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने जाती थी. सो या दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब. ओह गॉड, डोंट लाफ मी दैट. वेरी लेस, बट इट वॉज अराउंड 1500. वेरी नर्वस बिकॉज फर्स्ट शो था एंड बट मैं अपने प्रोड्यूसर्स की फेवरेट थी. सो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ी क्वाइट कॉन्फिडेंट भी थी बट नर्वस थी बिकॉज बहुत सारे लोग थे, बहुत नोन पर्सनैलिटीज थे जिन्हें मैंने टी वी पर देखा हुआ था और उनके साथ मैं काम कर रही थी. सो या नर्वस, बिट नर्वस. शो था नादान परिंदे घर आजा एंड उसमें भी मैंने छोटी ही बहन का रोल प्ले किया था और मेरी सिस्टर का रोल प्ले कर रही थी गुलकी जोशी, जो उस टाइम पर शो करके आई थी. जी टी वी का कोई हिट शो था उनका, वो करके आई थी और वो उनके साथ मेरा वो पहला सीन था और वो पहली पोस्टर थी. फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मेरी आइज के लिए बहुत मिलते हैं. सो या आइज के लिए ही था मेरा पहला कॉम्प्लीमेंट. सो या ओके, मैं बहुत ही शाय किस्म की लड़की रही हूँ और बेसिकली मेरा बचपन से ऐसा रहा है कि मैं अपने ना सीनियर्स की या अपने टीचर्स की बहुत फेवरेट रही हूँ. सो मेरे स्कूल में मैं अपनी प्रिंसिपल की बहुत फेवरेट थी और मेरे कॉलेज में भी मैं अपने प्रिंसिपल की बहुत फेवरेट थी और मैं बहुत डरती थी ऐसे स्टेज पर आने से या कोई परफॉर्मेंस करने से. और मेरे प्रिंसिपल को हमेशा ऐसा होता था कि इस लड़की को ही उठाओ, ये क्यों इतना डर रही है, नहीं इसी को उठाओ, इसमें है बात ये वो. तो वो हमेशा मुझे ऐसे वो करते थे, हर ओकेजन पे मुझे किसी डांस कॉम्पिटिशन में डाल देना या सिंगिंग कॉम्पिटिशन में डाल देना या कोई एक्टिविटी में डाल देना. सो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, बट नाउ आई रियलाइज कि थैंक यू सो मच सर और मैम, आप लोगों की वजह से आज वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाया. पंजाबी बोलियाँ थी एंड मेरी ये स्कूल की बात है. आई वॉज इन सिक्स स्टैंडर्ड और 15th ऑफ अगस्त का ओकेजन था और स्कूल में फंक्शन था और वहाँ मेरा डांस परफॉर्मेंस था. सो पंजाबी बोलियाँ. एंड हाउ वाज इट? अमेजिंग. बहुत डरी हुई थी और शिवर कर रही थी और रेड हुई पड़ी थी, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था. जिम एक्सपीरियंस, वो मेरे भाई के साथ हुआ है मेरा एक्सपीरियंस वो. और फर्स्ट डे जब मैं गई थी मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि अरे आज मैं जिम आई हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल अ जिम पर्सन और मैं योगा पे बिलीव ज़्यादा करती हूँ. सो जिम जब मैं फर्स्ट टाइम गई कि अरे आज मैं ये ट्राई करती, तो मेरा जो ट्रेनर था एक दिन का वो भी हैरान था कि अरे बाबा ये लड़की पहले कभी जिम नहीं आई है, बट इसमें जो वो एक होता ना एंथुजियाज्म बहुत है कि आज मुझे कुछ करना है. बट वो एक दिन की ट्रेनिंग का जो मुझे दो दिन तक खामियाजा भुगतना पड़ा था ना बिकॉज ऑफ ओवर एंथुजियाज्म, वो थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ गया मुझे. बट या एक्सपीरियंस अच्छा था. ओह गॉड, किचन एक्सपीरियंस तो मेरा मुंबई आके हुआ है मुझे, बिकॉज घर पे मुझे कभी कुछ नहीं करना पड़ा. आई हेट कुकिंग, आई हेट किचन. और मुंबई आकर फर्स्ट टू ईयर्स तक मुझे खुद से खाना बनाना पड़ता था एंड आई हेट दैट थिंग. बट उस वजह से अब मैं कुछ खाना बनाना सीख गई हूँ. कौन सी डिश बनाई थी फर्स्ट? मैंने फर्स्ट डिश बनाई, यू कैन बिलीव गाइस, मतलब मुझे खाने बनाने से नफरत थी और मेरा पहला अटेम्प्ट ही राजमा चावल थे और वो इतने हॉरिबल बने थे कि वो किसी ने नहीं खाए, किसी ने टेस्ट तक नहीं किए थे और मुझे ही ख़त्म करने पड़े थे. सो या दैट वॉज द हॉरिबल वन, बट एक्सपीरियंस था वो भी एक. कभी नहीं भूल सकते. बट अब मैं अच्छा बनाती हूँ, आई गारंटी दैट थिंग. ओहो, एक वो था
ग्रेजुएशन के बाद एक कॉम्पिटिशन था मिस पंजाबन करके, उसके लिए मैं गई थी. एंड उसके फर्स्ट राउंड में कुछ वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट उनके प्रोड्यूसर्स को मैं, एज आई सेड, कि मैं अपने टीचर्स की और गुरुज की बड़ी फेवरेट रही हूँ, तो उनकी फेवरेट थी मैं. सो दे गॉट सेलेक्टेड मी ओवर दैट. और जब मॉम डैड का इंटरव्यू हुआ मेरे साथ एंड उनके वो आंसू इमोशनल अत्याचार वाले एंड ऑल, उस टाइम पे देखा कि ओह माय गॉड, हमारी बेटी भी कुछ कर सकती है. उन्हें एक्चुअली बिलीव हो गया इस चीज़ का. सो या, ओह गॉड, हैरी पॉटर मुझे इतना क्यूट लगता है ना, वो बंदा था, अब तो वो ठीक है, बट था एक टाइम पे बहुत. इसकी आईज, दैट वो स्पेक्स एंड वो आईज, ओह गॉड आई लव दैट थिंग. एंड इन बॉलीवुड नन अदर देन ऋतिक, स्टिल. Okay. Still he is. Oh God, that just because of my fans. And ये moment था मेरा शक्ति के दौरान का ही. शक्ति हम लोग कर रहे थे, because उससे पहले भी मैंने काम किया है, but उतना recognize नहीं हो पाया वो काम. But शक्ति में काफ़ी लोगों ने praise किया उस चीज़ के लिए. So moment था, मैं शक्ति कर रही थी एंड छुट्टी थी और हम घूमने के लिए गए थे. सो मॉल में ही मैं घूम रही थी और वहाँ पर जब लोग आकर आपको पहचानते हैं, मैम प्लीज़ वन फोटोग्राफ एंड प्लीज़ दिस एंड दैट, तो मुझे ऐसा लगा ओह वाओ रियली, मतलब आई वाज लाइक कि ये स्टार मुझे बहुत पसंद है, या मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, ओह माय गॉड मैंने ये देखा. उन्होंने नाउ यू आर ऑल्सो लाइक उस लीग में. सो या, दैट वॉज द मोमेंट कि आई फील लाइक आई एम ऑल्सो सेलिब्रिटी. Sweet. So just because of fans, so thank you, I love you. Yeah, ये भी शक्ति में ही था. एंड ये सीन था मेरे और मेरे फादर के बीच का, मनिंदर जी और जो आयुब खान, मिस्टर आयुब खान जो प्ले कर रहे हैं मेरे फादर का रोल, उनके और मेरे बीच का एक सीन था कि वो मेरी किसी बात की वजह से खुद को आग लगा लेते हैं. और फिर हम हॉस्पिटल में वो सीन कर रहे होते हैं, इमोशनल सीन, और मैं वो मुझसे कहते हैं कि दूर चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने इतना प्यार किया और तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती एंड ऑल. सो फिर मैं इमोशनल होकर और वो कहती कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, आप जो चाहते हैं मैं करूँगी. तो वो जो सीन था वो लिटरली ऐसा सीन था, वो पहला सीन था मेरा आई थिंक जिसमें मैंने ग्लिस नहीं लिया था, और सच में रोई थी मैं उस सीन के लिए. एंड आयुब सर भी सच में रो रहे थे और पूरी यूनिट रोई थी. एंड सर वॉज लाइक, सर भूल गए थे कट करना और सीन ख़त्म हो गया था और हम देख रहे थे कि शायद अब कट होगा, और सर कट करना भूल गए थे और सर रो रहे थे कैमरा के पीछे बैठ के. एंड सीन ख़त्म हुआ और उसके बाद मैंने अपने डैड को कॉल किया, बिकॉज वो सीन ऐसा था फादर और डॉटर का कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी. और मैं डैड को फ़ोन करती थी, आर यू ओके, मतलब अभी मैंने ये ऐसा कुछ सीन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप ही के साथ वो सीन कर रही हूँ. सो या, वो सीन बहुत अच्छा था. स्कूल और कॉलेज में कभी कोई नहीं रहा है, बल्कि मैं रही हूँ लोगों की. That was not a हवा में बातें, बट या, और सिर्फ लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी क्रश रही हूँ मैं बहुत ज्यादा अपने स्कूल में. सो या, नाउ इट्स लीगल. या, नाउ इट्स लीगल. प्रपोजल, यस, ओह गॉड. एक स्टोरी मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ. मैं अपने घर में एक लौती लड़की हूँ एंड चार भाई हैं मेरे. सो कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं आया कि मैं कभी अकेले बाहर निकली और किसी लड़के में इतनी हिम्मत आई हो कि मुझे प्रपोज कर दे. क्योंकि मैं जब भी निकलती थी, दो भाई इस तरफ सिक्योरिटी गार्ड बन के, दो भाई इस तरफ सिक्योरिटी गार्ड बन के निकलते थे. स्कूल और कॉलेज तक कुछ नहीं हुआ, कभी किसी लड़के ने आके प्रपोज नहीं किया. बट ये मुझे पता था कि हाँ, बहुत सारे लड़कों की क्रश हूँ मैं. सो कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा. मुंबई आने के बाद मुझे काफ़ी प्रपोजल्स मिले हैं एंड सॉरी गाइस. ट्रैवल एक्सपीरियंस, आई लव ट्रैवलिंग, बट मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस तब रहता है जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी. तो मैं मनाली गई थी अकेले ट्रैवल करके. सो दैट वॉज द ऑसम वन. डोंट आस्क मी दैट. It was Tata Docomo. छोटा सा ब्लैक कलर का होता था
और वो मुझे आई थिंक कॉलेज टाइम पे मिला था, बिकॉज मुझे उस टाइम अकेले जाना होता था क्योंकि उसमें भाई अलाउ नहीं होते थे, गर्ल्स कॉलेज था मेरा. सो या टाटा डोकोमो, मेरे पास अभी भी है वो फोन, ना वो याद है मेरी फर्स्ट फोन. और कुछ भी नहीं, सब मैंने आके मम्मी को दे दिया और बाद में रियलाइज हुआ कि शिट मैंने क्यों दे दिया. बट या मैंने वो सारे आके मम्मी को दे दिए थे क्योंकि मेरे कभी कोई खर्चे ऐसे रहे नहीं, मुझे जो चाहिए होता था मैं बोल देती थी, बाद में मिल जाता था. फर्स्ट कार अभी भी हमारे पास है और मैं अभी भी उसी में आई हूँ और मुझे बहुत पसंद है वो कार, टोयोटा कोरोला. आई थिंक वैसे आप बहुत से एक मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स आप देते ही रहते हो अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ हर ओकेजन पे, बट आई थिंक जो सबसे बेस्ट गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो वो ये होता है कि आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जाना जाए. सो ये बहुत अच्छा गिफ्ट आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक स्पेशल गिफ्ट होता है उनके लिए. और मेरे पेरेंट्स को जब मेरे नाम से जाना जाता है तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं, और वो जब प्राउड फील करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. सो या दैट वॉज द गिफ्ट. और ये सिलसिला शुरू हो चुका था आफ्टर ग्रेजुएशन, जो अब तक चालू है. ओके, देर इज़ ओनली वन फ्रेंड मुंबई में जो बेस्ट फ्रेंड है, एंड ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर, एंड हिज नेम इज़ कुलदीप सिंह. ही इज़ दी ओनली वन जो आई थिंक जिसे मैं रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी कॉल करके कुछ भी बोल देती हूँ, एंड वो सारे मूड स्विंग्स सहता है और सब चीज़ें करता है, तो ही इज़ द वन. मैं एक्चुअली बहुत ना ऐसी लीनियंट टाइप की स्टूडेंट रही हूँ और पर्सनैलिटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हूँ, तो ही इज़ द ओनली वन जो वो ऑलवेज पोक मी टू डू समथिंग, कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए एंड चीज़ों को डीपली सोचना चाहिए, डीपली करना चाहिए. सो ही इज़ द ओनली वन हु सेड कि एक्टिंग के अलावा, बिकॉज एक्टिंग भी मेरी चीज़ें चलती रहती हैं, एज आई सेड मैं बहुत बिलीव करती हूँ नानक में, तो मेरी चीज़ें हमेशा अपने आप ही होती रही हैं, मुझे कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो और उसका ये होता था कि यू आर लकी सो बिकॉज तुम्हारी चीज़ें हो रही हैं, बट ऐसा कोई टाइम आ जाए कि ना हो तब क्या करोगे, तो तुम्हें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर दैट. तो ही इज़ द वन जो ऐसे चीज़ों को डीपली अब मुझे सोचने पे मजबूर करता है, और आई थिंक उसके आने के बाद मैं काफ़ी उस चीज़ों को सीरियसली लेती हूँ. सो ही इज़ द वन. एंड जब हमने प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था, आई वाज लाइक ठीक है हो जाएगा, करेंगे क्या है ये टाइम पास ही. एंड ही वॉज ओनली द वन जो सब चीज़ें हैंडल कर रहा था, और मैं देख रही होती थी, और फिर मेरे को रियलाइज होता था कि ओ शिट यार ये सही कह रहा है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ चीज़ों के बारे में, और वो सब जानता होता है. तो या थैंक यू कुलदीप फॉर दैट थिंग. टीचर ऑफकोर्स वही इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ा रही होती या किसी स्कूल में लगी होती. सो बट या टीचर टू ऑल द व्यूवर्स, टू ऑल द फैंस, एज आई ऑलवेज सेड कि थैंक यू एंड लव यू ऑल, आप हैं तो मैं हूँ. सो थैंक यू सो मच. वेल बहुत सारा फन सेगमेंट हम लोगों ने किया है, बहुत सारी बातें आप लोगों को मेरे बारे में पता चलेंगी. नाउ यू ऑल हैव टू टेल मी कि आप लोगों को ये फन सेगमेंट कैसे लगा, एंड फॉर दैट डू सब्सक्राइब पॉप बॉलीवुड चैनल, एंड डू लेट मी नो एंड देम कि आपको ये फन सेगमेंट कैसे लगा. एंड अगर अच्छा लगा है तो आई प्रॉमिस कि मैं दोबारा बहुत जल्दी आऊँगी. एंड वन मोर थिंग कि शक्ति छोड़ चुकी हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं वापस नहीं आऊँगी. सो गाइज डू वेट फॉर मी, आई एम कमिंग वेरी सून. So keep enjoying your life. Thank you.